जो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन माँ गंगा के आशीर्वाद से, बाबा केदार की कृपा से सारी यात्रा संपन्न हुई और पूरे देश विदेश से आए हुए श्रद्धालुओं ने इस बार भाग लिया। और मुझे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कहे हुए वो शब्द, वो कैसी वाणी थी, वो कैसी शिव की वाणी थी कि 5 नवंबर 2021 को उन्होंने बाबा केदार की भूमि पर कहा था कि आने वाला जो दशक है 21वीं सदी का तीसरा दशक, वो उत्तराखंड का दशक होगा। और भाइयों बहनों, उन्होंने वहां ये शब्द कहे और इस बार जहां हमारी यात्रा अभूतपूर्व हुई, आप सब लोगों ने इस यात्रा को लगातार 4 चांद लगाने का काम किया, हर्ष उल्लास देने का काम किया, अपना भी आनंद लिया और देवभूमि को भी कहीं न कहीं इस योग की भूमि बनाने का काम, मोक्ष की भूमि बनाने का काम किया। मैं आप सबका भी दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। वहीं अभी पिछले दिनों जब कांवड़ यात्रा हमारी संपन्न हुई, कांवड़ यात्रा में भी इस बार वह भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और कांवड़ यात्रा में भी 4 करोड़ से भी अधिक तीर्थ यात्रियों ने, शिव भक्तों ने गंगा, माँ गंगा का पवित्र जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए हैं। और हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले समय में हम ये 4 धाम को जाने वाले जितने हमारे मार्ग हैं, अभी तो आप हरसिंह से आ रहे हैं, उत्तरकाशी से आ रहे हैं, आपको जो समय लगना चाहिए वो समय बहुत कम लगेगा क्योंकि पहले ही 4 धामों के लिए ये सारी सड़कें ऑल वेदर 4 धाम रोडें स्वीकृत हो चुकी हैं। लेकिन बीच में कुछ माननीय न्यायालय में कुछ हमारे मैं कहूँ कि बुद्धिजीवी लोग, सो कॉल्ड उनको क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स, या अपने अपने तरीके से बहुत बार आगे आने वाले लोग, उनके कारण से बहुत दिनों तक माननीय न्यायालय में मामला रुका रहा। हम लोगों ने उस पर ठोस पैरवी करी राज्य सरकार की तरफ से कि इन माँ गंगा का जो स्थान है वहां जाने के लिए या 4 धामों को जाने वाले जो स्थान है वो चौड़े होने चाहिए, उनको अच्छे स्थान होने चाहिए, वहां पर सभी सुविधाएं होनी चाहिए। तो माननीय न्यायालय ने हमको अनुमति प्रदान कर दी है, आने वाले समय में बहुत तेजी से विकास का काम होगा। आज के अवसर पर मैं पूज्य स्वामी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ हम सब लोगों को सानिध्य प्रदान किया, एक उत्साह देने का काम किया। और आचार्य जी को और उनकी पूरी टीम को, अमित जी को, हमारे सभी हमारे गंगा सभा के लोगों को, मंदिर समिति को, आए हुए श्रद्धालुओं का सबसे हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करते हुए, और आज हिंदी दिवस भी है, हिंदी दिवस की भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग माँ गंगा की इस शपथ को दोहराएंगे। मैं माँ गंगा के उद्गम गंगोत्री धाम से शपथ लेता हूँ कि देश के लिए जीवनदायिनी माँ गंगा को साफ, स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगा और दूसरों को भी माँ गंगा की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा मैया की बहुत ही धन्यवाद। अब मैं अखिल जी से निवेदन करूंगा कि धन्यवाद करें। भगवत भवती रे वीर मातनो हम विगत विजय विष्णु विष्णु आराधयामि सकल